आपके साथ। पूर्णिया के ग्रामीण क्षेत्रों में पैक्स द्वारा धान की खरीदारी शुरू हो गई है। पूर्णिया के बाईसी अंतर्गत मालोपारा गांव में पैक्स चेयरमैन के द्वारा धान की खरीदारी की जा रही है। किसानों से बात करने पर बताया कि हम पंचायत वासियों के लिए सरकार जो पैक्स के तहत धान खरीद रही है वो 1868 रुपए के दर से खरीद रही है। इससे किसान को काफ़ी फायदा हो रहा है, किसान की आमदनी भी बढ़ रही है और बिचौलियों से पीछा छूट रहा है। किसानों ने बताया कि औने पौने दामों में बिचौलियों द्वारा 1000 से 1100 की दर पर खरीदारी की जा रही थी, मगर जब से बिहार सरकार की तरफ से पैक्स के तहत धान खरीदा जा रहा है तब से हम किसानों को काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। और जब चेयरमैन से बात किया इस मामले में, चेयरमैन ने बताया है कि अब तक 400 से अधिक क्विंटल धान खरीद चुके हैं और पूरे पंचायत का धान धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। पैक्स के तहत सभी किसानों का धान 1868 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है। कितना कुंडल धान खरीद चुके हैं? 432 के आसपास। कैसे कुंडल ले रहे हैं धान? जो सरकारी रेट है। क्या रेट है सरकारी? 1868 है। 1868। अच्छा, यहाँ पर जो धान खरीद रहे हैं अब तक कितना किसान को पेमेंट हो चुका है? पेमेंट होने ही वाला है। जब तक हुआ नहीं किसी का? अब तक नहीं हुआ। आज कितना दिन से खरीद रहे हैं धान आप यहाँ पर? हो गया एक सप्ताह। एक सप्ताह से खरीद रहे हैं। कितना कुंटल धान वितरण बेचे आप? 30-35 कुंटल। यहाँ किस जगह पे दिए धान? मालोपारा तेलंगा। ये कौन सी जगह है? चेयरमैन के पास दे रहा था। कैसे कुंटल ले रहा था? 1800। वजन? वजन 50 किलो 48। अच्छा, कुंडल में कितना काट रहा है क्या धान? पैक्स अध्यक्ष चेयरमैन के द्वारा जो धान खरीदा जा रहा है, किसान को क्या लाभ मिल रहा है यहाँ पर? बिल्कुल, किसान को लाभ मिल रहा है और किसान जो रेट सरकार की तरफ से दिया जा रहा है उसी रेट से हमारे पैक्स के अध्यक्ष मंटू के साथ उसी रेट से खरीद रहे हैं और आवाम को काफ़ी सुविधा है। पेमेंट कितने दिन में मिल रहा है किसान को? पेमेंट जो जो किसान का अपना अकाउंट दिया हुआ है बैंक में उसी हिसाब से सप्ताह दिन में पेमेंट उसको मिलेगा। अच्छा, कैसे कुंडल खरीदा जा रहा था? 1868 के हिसाब से मिला है। किसान है आप? नहीं, फसल नाम हमारा है, वो बना होटल लिस्ट सब कुछ में वकील है, अभी लिखा था अकेला मत नाम हमारा है, मतलब वकील लिखाना होगा। कितना कुंडल अनाज बेचे चावल ये धान? हाँ, और वकील सीधा वकील। कितना कुंटल धान विचरण किया अभी जो बेचे हैं तो बोले ना 10-11 कुंटल। 10-11 कुंटल। कैसे कुंटल ले रहा? 1868। अच्छा, यहाँ क्या सुविधा मिल रहा है जो धान दे रहे हैं यहाँ पर? बढ़िया सुविधा है, सुविधा मिल रहा है। यहाँ किस जगह धान दे रहे हैं आप? मालोपारा तेलंगाना में। किसको दे रहे हैं?